मार्च 2021 में स्पिति में ये व्लॉग शूट करने से जुलाई 2021 में इस वीडियो को एडिट करने के बीच मैंने अपना एक बहुत ही बड़ा सपना पूरा किया, टू हैव माय होम इन द माउंटेंस। सपने तो हमेशा पूरे होते हैं, बस उनको हर हाल में पूरा करने की ना हिम्मत होनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इस ड्रीम होम वीडियो की लिंक डाल दी है, दिल किया तो एक बार देखना ज़रूर। कमिंग बैक टू टुडेज व्लॉग, आज मेरा विंटर स्पिति रोड ट्रिप का सेकेंड लास्ट डे है और आज मैं पांगमो गांव से निकल के की मोनेस्ट्री की तरफ जा रही हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे इस वीडियो के थ्रू पहली बार आए हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी रैंडम लगे, और बस इसलिए एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आपसे, स्पिति के इस एपिक रोड ट्रिप की पूरी सीरीज को ज़रूर देखना, शायद तब आपको मेरी ये पूरी कहानी समझ में आए। फिलहाल के लिए चलते हैं अपने आज के इस सफर को तय करने के लिए। इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा दैट आई के नॉट सी। मुझे ये भी नहीं पता रिकॉर्डिंग का बटन अभी ऑन है या नहीं है। एंड दैट्स वन एडवाइस आई वुड गिव यू गाइज, वेन एवर यू कम टू स्नो मेक श्योर यू आर वेयरिंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सन ग्लासेस, क्योंकि स्नो ब्लाइंडनेस इज अ सीरियस थिंग। मैं अभी जा रही हूँ काजा, पांगमो से निकली हूँ, काजा में हमें पेट्रोल भरवाना है और उसके बाद वी वुड बी गोइंग टू धनकर। मैं जहाँ रुकी हूँ दिस प्लेस इज की गुम्पा। I've covered Key Monastery in one of my vlogs from 2018. So in case you guys are interested, मैं कहीं पर link कर दूँगी, आप देख लेना Key Monastery की vlog. It's a very beautiful place. ये पूरी की पूरी जगह इतनी ज़्यादा white है, like completely. ये मेरा सपना था ट्रांस हिमालय को ऐसे स्नो कवर्ड देखना। लद्दाख में मैंने देखी थी ये सारी चीज़ें, बट इतनी ज़्यादा इंटेंस वे में नहीं देखी थी मैंने, क्योंकि मैं लद्दाख गई थी दिसंबर में, दिसंबर 2020, और आज है 8th of March 2021, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है कल रात को, आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा ही होगा। पता है ऐसे पहाड़ों को देख के एक चीज़ बस सोचने का मन करता है कि ये पहाड़ कितने ज़्यादा जायंट है, हिमालयस, कितने लोग यहाँ पे आए होंगे, कितनी गाड़ियाँ गुजरी होंगी यहाँ से, कितने लोगों ने फ़ोटोज़ खींची होंगी, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, एक्सीडेंट्स हुए होंगे और पता नहीं क्या क्या हुए होंगे, बट दे आर स्टैंडिंग टॉल एंड जायंट। दैट्स द रीज़न यू नो, आपको नेचर के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, नेवर एवर टेक नेचर लाइटली। स्नो हो, बारिश हो, एनी थिंग, नेचर इज़ वे टू पावरफुल। और जैसे जैसे आप भी ट्रैवल करोगे इस चीज़ को समझोगे, बिकॉज इफ़ आई रियली टेल यू, लाइक आज से 10 साल पहले जब मैं ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती थी, मैं इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं समझती थी, इन चीज़ों में कितनी ज़्यादा पावर है वो नहीं समझ पाती थी। बट जैसे जैसे मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इट। लाइक आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, जैसे मैं फंस गई थी स्नो में अभी, तो पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा रास्ता बंद था, कुछ भी कर लो आप, नेचर के सामने आप बिल्कुल इतने से हो। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है एंड मैंने अभी 70+ SPF सनस्क्रीन लगाया है, फिर भी आई नो माई स्किन इज़ बर्निंग, तो मैं कार के अंदर चली जाती हूँ अब।
पहले सोचा नहीं था कि आऊँगी कि गुम्पा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बट क्रॉस करते करते शायद अंदर से आवाज़ आई, यार क्रॉस करके जा रहे हो, एक बार गुम्पा तो जा ही सकती हो। तो बस हिम्मत जुटा रही हूँ। जुले जुले अमेजिंग, आई एम नॉट वेल बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी। अपनी एवरी बिट ऑफ एनर्जी से आई हैव बीन एबल टू क्लाइंब, नीचे से ऊपर तक पहुंची हूँ। जुले जुले की मोनास्ट्री स्पीति की सबसे पुरानी मोनास्ट्री है और सबसे बड़ी भी है। इनफैक्ट कुछ हज़ार साल पुरानी मोनास्ट्री है और यहाँ पे लामास की ट्रेनिंग होती है। स्पीति में एक रूल भी है, हर घर से जो उनका सबसे छोटा वाला बेटा होता है, दे सेंड देम टू मोनास्ट्री लामा की ट्रेनिंग के लिए। अपने कल्चर को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे कोई भी मॉन्क नहीं बनेगा तो यहाँ की कल्चर धीरे धीरे खो जाएगी। और इस बिलीफ की वजह से हर घर से छोटा लड़का यहाँ पे वो भेजते हैं कि मोनास्ट्री में लामास की ट्रेनिंग के लिए। मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाई है कि मोनास्ट्री के ऊपर लास्ट टाइम, तो वो मैं यहाँ या यहाँ कहीं लिंक कर दूँगी। That's the entry to the monastery, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो ये व्यू एंजॉय कर लो आप एंड बाकी के दर्शन यहाँ आके करना। दिस इज़ धनकर मोनास्ट्री। ये जो मोनास्ट्री है ये काजा और टाबो के बीच में है। मैं अभी की मोनास्ट्री से वापस लौट रही थी और टाबो जा रही थी, तो ऑन द वे आई स्टॉप्ड एट दिस मोनास्ट्री। Unfortunately, it's closed. अंदर नहीं जा सकते मोनास्ट्री के, एंड आई कैन रियली नॉट सी एनीबॉडी हियर। बट ये प्लेस इवन फॉर मी इट्स न्यू, एज इन मैं लास्ट टाइम जब स्पीति आई थी तो मैं धनकर नहीं आ पाई थी। एंड यू नो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। कैन यू सी दिस? इट लिटरली लुक्स लाइक द मोनास्ट्री इज लाइक लिटरली हैंगिंग ऑन द क्लिफ। वैसे धनकर का मतलब भी होता है धन, इस DHAN मीन्स क्लिफ, एंड कर मीन्स फोर्ट। तो इट लिटरली मीन्स कि क्लिफ पे लटकता हुआ फोर्ट। और इस मोनास्ट्री को फोर्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 17th सेंचुरी में धनकर यूज टू बी द ट्रेडिशनल कैपिटल ऑफ स्पीति वैली, जब यहाँ पे किंग का शासन हुआ करता होगा। अब तो ये मोनास्ट्री में कन्वर्ट हो गया है।
You know what? Another very interesting fact about Dhankar Monastery, it is one of the 100 most endangered monuments in the entire world. Like itne height pe bilkul latakta hua ye fort apne aap mein definitely bahut hi zyada brilliant structure hai. मोनास्ट्री बंद है? बंद है? सो द डोर इज क्लोज्ड मींस नो एंट्री. ठंड काफी ज्यादा हो गई है एंड मैं यहाँ से अब निकलती हूँ. एनीवे मोनास्ट्री बंद है. माई बैड लक, नेक्स्ट टाइम शायद मैं अंदर जा पाऊँगी. वैसे यहाँ धनकर मोनास्ट्री से 2 किलोमीटर आप ऊपर तक ट्रैक करोगे तो देर इज़ दिस धनकर लेक. तो मैं तो नहीं कर सकती, आज मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, तबीयत बिल्कुल ख़राब है तो मैं नहीं जा पाऊँगी. बट आई वुड टोटली सजेस्ट यू, मैंने पिक्चर्स देखे हैं धनकर लेक की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू धनकर मोनास्ट्री मेक श्योर यू मेक इट टू धनकर लेक ऑल्सो. आप गए लद्दाख? नहीं गया, लद्दाख में तो बहुत दूर होते हैं. बहुत दूर है? हाँ. आपका घर यहीं पे है? हाँ. यहीं पे है धनकर में? हाँ, वो देखो. अच्छा, वो आपका घर है वो वाला? ये व्हाइट कलर नहीं तो ये व्हाइट छोटा वाला व्हाइट है ना. हाँ, उसका उसके ऊपर. अच्छा, आपका नाम क्या है? तंजिंग रबगे. क्या है? तंजिंग रबगे. तंजिंग रबगे. हमारे हमारे डंकन बहुत लोगों का नाम तंजिंग होते हैं ना. हाँ. Thank you.